तो बड़े दिनों बाद आज फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो क्या करें यार, बीच बीच में ऐसे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं तो बीच बीच में गायब होता रहता हूँ। तो रिसेंटली मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन जो प्रोडक्ट होता है, रीन्यूड प्रोडक्ट जो कि रिफर्बिश्ड या फिर अनयूज्ड प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार ट्राई किया और मैंने ये माइक जो है परचेज़ किया है। इसका अगर मैं ओरिजिनल प्राइस की बात करूँ, नया आप लेने जाओगे तो आपको 3000 रुपीज़ का अमेज़ॉन पर देखने को मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे एक रिफर्बिश्ड और जिसको अमेज़ॉन रीन्यूड भी बोलते हैं वो दिखा था, और इसका प्राइस जो है नया से काफ़ी कम था, 1290 रुपये में मुझे ये मिल गया। और इस वीडियो में मैं आपसे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि ये माइक किस कंडीशन में मुझे मिला और ये कैसे काम कर रहा है, और 1290 रुपीज़ में ये वर्थ है मुझे लगता है। और आप यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी तो सुन ही सकते हैं, इसी माइक से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अच्छी बात ये कि ये पूरा आपको किट में मिलता है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पॉप फिल्टर हो गया या फिर यहाँ पे जो विंड फिल्टर है, स्टैंड है, सब चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है विद द प्राइस टैग ऑफ 1290 रुपीज़। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। प्लस अगर आप नया भी लेने जाते हो ना तो 3000 रुपीज़ का है, लेकिन ऑफ़र में जो लाइटनिंग डील चलता है उसमें आपको 200-300 रुपये और कम में ये मिल सकता है। तो आप लाइटनिंग डील चेक करते रहना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स कैसा है और बॉक्स कंटेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, बॉक्स कैसा है हम यहाँ पर देख लेते हैं और बॉक्स में क्या क्या फ़ीचर लिखा है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे बॉक्स है, और बॉक्स का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब है, पूरा न्यू कंडीशन नहीं है। और एक्चुअली ये न्यू प्रोडक्ट है भी नहीं तो एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन अच्छी बात है टू गुड ने जैसे मेरे को बॉक्स दिया था ना, पूरा फटा हुआ बॉक्स, ऐसा नहीं है। बॉक्स का कंडीशन यहाँ पे ठीक ठाक है और प्रोडक्ट का कंडीशन एकदम नया है। मुझे लगता है किसी ने इसको परचेस किया फिर उसको पसंद नहीं आया होगा तो उसने रिटर्न कर दिया है, और उसके बाद अमेज़ॉन इसको रीन्यूड करके बेचता है। और ये मैं गारंटी नहीं देख सकता हूँ, आपके केस में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको तो रिटर्न का ऑप्शन मिलता ही है अमेज़ॉन पे, तो आप रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आता या फिर प्रोडक्ट डैमेज आता है। अब बाकी इस ब्रांड का जो नाम है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ढंग से मेरे को नहीं मालूम, मेएनो इसका ऐसा टाइप का नाम है, और इसका पहले मैंने इसका नाम पहले सुना नहीं था। और यहाँ पर इसका जो मॉडल नंबर है AUA04 प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन। ओके, तो इस टाइप का यहाँ पे बॉक्स और बॉक्स कंटेंट में यहाँ पे आपको सभी चीज़ें इंक्लूडेड है, और माइक का जो साउंड है आप यहाँ पे सुन सकते हो। तो अभी मैं आपको रॉ साउंड दिखाता हूँ एकदम अनएडिटेड, तो कैसा लगता है। तो इसके बाद से मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ ये बिल्कुल भी अनएडिटेड है, और इसको आप जो है चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे फ्री सॉफ्टवेयर आता है, और एडोबी प्रीमियर प्रो आप अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पे साउंड आता है, और इसको आप कैमरा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ये यूएसबी माइक है तो इसको आपको पीसी के साथ यूज़ करना पड़ेगा। फ़ोन के साथ मैंने ट्राई किया था यूएसबी ओडीजे के साथ, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो बेस्ट रिजल्ट आपको अगर चाहिए तो आप इसको पीसी में यूज़ कर सकते हो, और अगर कैमरा के लिए आपको माइक चाहिए तो एक लैपल माइक आता है, लैपल माइक जो मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम क्या जो था बोया का BYM1, उसको आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। जो आगे मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस सब उसी में रिकॉर्डेड है। तो उसमें दिक्कत आता था कि मैं जब पीसी में वॉइस ओवर करता था तो दिक्कत आता था उसमें, तो इसलिए मैंने एक अलग से पीसी के लिए माइक ले लिया है। अगर अब मैं वॉइस ओवर करूँगा तो इसी से करूँगा। तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ऑडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है। और बाकी नॉइज़ कैंसिलेशन की मैं बात करूँ तो ये माइक काफ़ी कम नॉइज़ लेता है, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं लेता ऐसा नहीं है, नॉइज़ लेगा। अगर आप फ़ैन चला के रिकॉर्डिंग करोगे तो फ़ैन का साउंड भी आएगा। यहाँ पे जो मेरा पीसी है वो भी रनिंग है, उसका भी थोड़ा बहुत नॉइज़ ये कैप्चर कर रहा है। तो इसको ईजिली आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर से, फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, उससे रिमूव कर सकते हो। और अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हो यार पीसी के साथ तो एडिटिंग तो आप करोगे ही। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और मैं काफ़ी रेगुलर था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो सोचा अभी स्टार्ट कर देते हैं। माइक लिया हूँ, माइक के बारे में वीडियो बना दिया, आगे भी जैसे मैं वीडियोस बनाता था बनाते रहूँगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो में।